हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू सीयूईटी क्रैश कोर्स। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या हम कवर करने चल रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे सीयूईटी एग्जाम्स के लिए हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। राइट, अब देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो। RNA interference silencing takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पर बच्चों, जो RNAi दे रखा है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं RNA interference। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको हम बोलते हैं RNA interference। और हमें पता है RNA interference एक method है जिसको eukaryotic cells इस्तेमाल करती है एज अ सेलुलर डिफेंस। तो ये सही दे रखा है। RNA interference requires silencing of mRNA by binding of complementary single stranded DNA molecule। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है बच्चों। RNA interference, RNA interference में क्या होता है कि जो mRNA होगा, अभी mRNA किसका हो सकता है? किसी भी पैथोजन का हो सकता है। इस mRNA की हम साइलेंसिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री किससे बच्चों? सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल से नहीं, डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल से। यस, यहां पर जो हम RNA इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इस mRNA की साइलेंसिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से एंटीसेंस RNA, जिसमें से बच्चों एंटीसेंस RNA जाकर इस mRNA से बाइंड करेगा और इसके ट्रांसलेशन को रोक देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत दे रखे। थर्ड में कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड कुड बी फ्रॉम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स। अब देखो, ये बिल्कुल सही दे रखा है भाई। एक बात बताओ, हमने बोला RNA इंटरफेरेंस पे हम इस mRNA को साइलेंस कर रहे हैं इस डबल स्ट्रैंडेड RNA की मदद से। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार इस RNA की सोर्स क्या है? तो इस RNA की सोर्स हो सकती है बच्चों मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स यानी ट्रांसपोजोन्स। और जनरली हम इसको चूज करते हैं वो ट्रांसपोजोन्स बच्चों जिनका RNA इंटरमीडिएट होता है, वो ट्रांसपोजोन बच्चों जिनमें RNA इंटरमीडिएट होता है, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन। जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। सही दे रखा है। TI प्लाज्मिड विद नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हैव बीन यूज्ड इन RNA इंटरफेरेंस। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। डबल स्टैंडर्ड RNA है, इसको प्लांट सेल के अंदर पहुंचाना है। प्लांट सेल के लिए कौन सा वेक्टर होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की मदद से हम क्या करेंगे? नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को प्लांट के अंदर भेजेंगे, जिससे RNA इंटरफेरेंस हो पाएगा। ये भी सही दे रखा है। कौन सा गलत दे रखा था? सेकंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप्स। तो बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है, इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का? इनमें से क्या बच्चों एडवांटेज नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए? इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंक्रीज क्रॉप टॉलरेंस टू सॉल्ट इन सॉइल। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हमने किसी क्रॉप को बच्चों, हमने किसी क्रॉप को क्या करा है? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने से क्या होगा? वो एबायोटिक स्ट्रेसेस के खिलाफ, वो एबायोटिक स्ट्रेसेस के खिलाफ क्या हो जाएगा? मोर टॉलरेंट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, क्रॉप टॉलरेंस बढ़ चुकी है सेलिनिटी के लिए, यानी सॉल्ट के लिए सॉइल के अंदर। इंक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब देखो, आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बना सकते हैं। तो यार, जब हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बना लिया है, तो क्या हमें किसी पेस्टिसाइड्स की जरूरत है? जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है, तो इनका रिलायंस केमिकल पेस्टिसाइड्स पर कैसे हो जाएगा? गलत दे रखा है। रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। सही बात है, गलत है? बिल्कुल सही बात है भाई। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना रहे हैं और उसमें हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना रहे हैं, तो उन पे जब पेस्ट अटैक नहीं होगा, इंसेक्ट अटैक नहीं होगा, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाएगा। तो क्या हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। साथ ही साथ बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हमने क्या करा है? इस मॉडिफिकेशन से क्या हो गया? उनका मिनरल यूसेज बढ़ चुका है, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की बढ़ेगी। तो ये सही दे रखा है। कौन सा गलत दे रखा है? सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बैसिलस थुरिंजेनेसिस इज एक्टिवेटेड बाय।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, जिसको हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, उसका जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, उसका जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो किस चीज से एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बीटी बैक्टीरिया है हमारा, उसके पास जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है वो उसको कैसे एक्टिवेट कर पाता है। एसिडिक कंडीशन ऑफ बैक्टीरियल फूड वैक्यूल, फर्स्ट में दे रखा है कि बैक्टीरियल फूड वैक्यूल की एसिडिक कंडीशन उसको एक्टिवेट कर देती है, गलत है। एल्कलाइन पीएच ऑफ बैक्टीरियल फूड वैक्यूल, एल्कलाइन पीएच जो होती है बैक्टीरियल फूड वैक्यूल की, उससे ऐसा कुछ होता है, गलत दे रखा है। एसिडिक पीएच इन इंसेक्ट फोरगट, अब बच्चों आपको पता होगा यार, इंसेक्ट्स की बात करें उसमें फोरगट, मिडगट, हाइंडगट पोर्शन होता है। मिडगट जो पोर्शन होता है बच्चों, वहां पर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस मिलेगा आपको, और वहीं पर मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। फोरगट वाले पोर्शन में तो जनरली क्या होता है, ग्राइंडिंग वगैरह होता है फूड का, तो ये भी सही नहीं है, और एसिडिक पीएच से तो होगा भी नहीं। फोर्थ दे रखा है एल्कलाइन पीएच इन इंसेक्ट मिडगट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब इंसेक्ट इसको डाइजेस्ट करेगा क्रिस्टलाइन प्रोटीन को, तो उसके मिडगट की एल्कलाइन पीएच से ये एक्टिवेट हो जाएगा, और उसकी मिडगट एपिथेलियल सेल से जाकर बाइंड करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, अंदर स्वेलिंग होगी, और लाइसिस की मदद से, सेल की जब लाइसिस होगी, मिडगट एपिथेलियल सेल्स की लाइसिस होगी, तो मर जाएगा कौन, हमारा इंसेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, उसकी मिडगट की एल्कलाइन पीएच से ये प्रोटीन या टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी मिडगट की एपिथेलियल सेल्स में लाइसिस करके उसको मार देगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रिमूवल ऑफ विच चेन रिजल्ट इन मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, क्वेश्चन ये पूछ रहे बच्चों, अगर हमें प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाना है यानी मैच्योरेशन करना है, तो हमें किस चेन का रिमूवल करना पड़ेगा। तो यार देखो सिंपल सी बात है, प्रो इंसुलिन की बात करें तो प्रो इंसुलिन बच्चों बना होता है ए चेन, बी चेन और साथ ही साथ सी चेन से। प्रो इंसुलिन की बात करूं तो बच्चों ये ए चेन, बी चेन और सी चेन से बना होता है। अब अगर बच्चा हमें मैच्यूरेशन करवाना है, यानी इंसुलिन बनाना है, तो क्या होता है, तो बेसिकली हमें पता है ए और बी चेन, ए चेन और बी चेन बच्चों डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है। ए चेन और बी चेन क्या होता है बच्चों, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई होती है। यस, तो ये क्या हो गया इंसुलिन, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सी चेन का रिमूवल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू, सी चेन का रिमूवल हो जाता है जब प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। फंक्शनल इंसुलिन में या मैच्योर्ड इंसुलिन में ए और बी चेन डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट, If a probe is made of radioactively labeled double-stranded DNA and is allowed to hybridize to its complementary DNA in a cloned cell, followed by detection using autoradiography, which of the following is considered wrong for the given statement? बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, एक प्रोब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना हुआ है, उसको हम अलाउ कर रहे हैं ताकि वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिक्वेंस से क्लोन सेल के अंदर जाकर हाइब्रिडाइज कर सके, बाइंड कर सके। आगे क्या करेंगे हम बच्चों, उसका डिटेक्शन करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से मदद से। इनमें से कौन सा बच्चों कंसीडर करा गया रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट में फर्स्ट दे रखा है इट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सही है, यही तो है भाई। हम जब प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, या पर्टिकुलरली मैं बोलूं जब बच्चा हम मॉलिक्यूलर प्रोब की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। मॉलिक्यूलर प्रोब में जनरली वी चूज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा, जो कि क्या होगा बच्चा, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। अब यार देखो, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड है ही नहीं तो जाकर ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो आप डिटेक्शन कैसे करोगे भैया, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए हमको, राइट। देखो ध्यान से, उसके बाद सेकंड दे रखा है इट इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, क्या वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। इसी की वजह से तो हम बच्चों क्या करेंगे, जब ये रेडिएशंस को एमिट करेगा तो हम ऑटो रेडियोग्राफी से मदद से क्या कर पाएंगे, इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा तो तभी जाकर हम ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। दिस प्रोब कैन बी यूज इन ऑटो रेडियोग्राफी, बच्चों इस प्रोब को हम ऑटो रेडियोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। इसी की मदद से तो हम पता लगाएंगे ना कि हमारा जो मॉलिक्यूलर प्रोब है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस से बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो वी विल गेट अ पॉजिटिव सिग्नल ऑन ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट, इट इज हाइब्रिडाइज्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए। सही बात है भाई, यही तो बात करी हमने, अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए होगा
तो वो क्लोन सेल्स में अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए सीक्वेंस से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। बट डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हो जाएगा यहां पर करेक्ट, क्योंकि रॉन्ग का पूछा गया था। राइट राइट, तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस इंक्लूड। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि मदद करती है अर्ली डायग्नोसिस में। अब अर्ली डायग्नोसिस क्यों करना है, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस हम कर पाएंगे तो बच्चों हम क्या कर पाएंगे, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे पाएंगे। अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा तो हम क्या कर पाएंगे बच्चों, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पीसीआर दे रखा है, व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर आप सभी को पता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो क्या हम बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और क्या होता है पीसीआर की मदद से, पीसीआर की मदद से बच्चों हम डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और यार इस्तेमाल करा जाता है कि नहीं करा जाएगा, बिल्कुल भाई डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर दे रहे हैं। मतलब अगर पैथोजन का इंफेक्शन है, पैथोजन बॉडी में है, तो माइन्यूट से लेवल को ही एम्पलीफाई कर देगा, तो इसका तो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एलाइजा की बात करें तो एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को देखते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को क्या करेंगे बच्चा, हम यहां पर देखेंगे। और इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, या तो एंटीजन के लिए देखें या फिर एंटीबॉडी के लिए देखें। अगर उन दोनों का प्रेजेंस देखने को मिलता है, मतलब पैथोजन प्रेजेंट है, तो यह भी अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है। थर्ड दे रखा है सीरम एनालिसिस। अब यार एक बात को ध्यान से समझो, पैथोजन बॉडी में आया, इन्फेक्शन कॉज करेगा, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में डैमेज करेगा, सेल्स को डैमेज करेगा, इस कंटिन्यूअस इफेक्ट के बाद फाइनली हमारे सीरम में कुछ एंटीबॉडीज आएंगी और बेसिकली हमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सीरम एनालिसिस इज बेसिकली हम ब्लड का एनालिसिस कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो काफी डिले फॉर्म में बताता है, मतलब जब काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होगा तभी ये हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दे पाएगा, तो मतलब अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू, यानी ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। बच्चों क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है या प्रोटीन प्रोडक्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए। कौन सा ऐसा बच्चों प्रोटीन प्रोडक्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए। अब आपको पता है बच्चों एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है। एम्फाइसीमा में क्या होता है बच्चों, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं क्या होंगी, वो डैमेज हो जाएंगी एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट दे रखा है अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। तो बच्चों अल्फा लैक्टा एल्बुमिन से क्या होगा, प्रोटीन कंटेंट मिल्क में इंक्रीज होगा, प्रोटीन कंटेंट क्या होगा मिल्क में बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस मिल्क बन जाएगा। तो ये तो नहीं है। टीपीए इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टीपीए होता है बच्चों टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, क्या हो जाएगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने में मदद करता है। बच्चों ये ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने में मदद करता है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक वगैरह आएगा तो उस टाइम पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन बच्चों ये वही प्रोटीन प्रोडक्ट है जिससे हम एम्फाइसीमा को ठीक कर सकते हैं। राइट, सी पेप्टाइड आपको पता है, सी पेप्टाइड इज रिलेटेड विद प्रो इंसुलिन, जो इमेच्योर्ड इंसुलिन होता है, तो इसका तो यहां पर कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री होगा। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स आर रिक्वायर्ड इन एससीआईडी पेशेंट्स एंड इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बिकॉज। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बच्चों हमें रिपीटेडली ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहां पर हमें रिपीटेडली ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स का और साथ ही साथ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में एंजाइम का, ऐसा क्यों है। तो पहले तो एससीआईडी इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्या है बच्चों, यह है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, और इसमें क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर बच्चों एडी एंजाइम का एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी से ऐसा हो सकता है, जो कि एनसीईआरटी में केस भी दे रखा है कि एक
बच्ची थी 4 साल की, जिसको क्या था एडियो डेफिशिएंसी थी, जिसमें जीन थेरेपी करा गया था। तो या सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एचसीआईडी की अगर हम बात करें तो यहां पर एडिया एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है। अब हमारा यहां पर इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि बच्चों एडिया एंजाइम से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है, वो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है बात। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें रिपीटेडली बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स का और एंजाइम का इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसा क्यों है? ट्रांसफ्यूज सेल्स हैव अ लिपिडेड रिस्पॉन्स। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। एक बात बताओ, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, बट यार सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो फाइनाइट होता है, एक गिवन टाइम तक ही वो जिंदा रहेंगी। तो इसी रीजन की वजह से हमें बार बार ऐसा करना पड़ रहा है। इंट्रोड्यूस जीन हैज बीन म्यूटेटेड। इंट्रोड्यूस जीन बच्चों म्यूटेट हो चुका है यार, अगर म्यूटेट हो चुका है तो फायदा ही क्या हुआ? गलत। द एंजाइम रिक्वायर्ड इज डिग्रेडेड आफ्टर 20 डेज। अब देखो बच्चों, एंजाइम जो डाला गया है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं, एंजाइम को इंजेक्शन की मदद से देते हैं, तो वो एंजाइम 20 डेज के बाद क्या हो जा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। तो जब डिग्रेड हो गया वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, हमें बार बार देना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है कि नहीं? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही दे रखे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोज ही अ ट्रांसजेनिक काउ इज नोन टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ मिल्क विच हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रोजी जो कि एक ट्रांसजेनिक काउ है, आपको पता भी है ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, इज नोन टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ मिल्क, जो कि एक मिल्क बनाती है जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सेप्ट उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। प्रोटीन कंटेंट बच्चों 2.4 ग्राम पर लीटर था। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट क्यों बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन क्या है बच्चों, जीन है, तभी तो जाकर वो क्या बनेगी, ट्रांसजेनिक काउ बनेगी। मोर बैलेंस डाइट देन नॉर्मल काउ मिल्क फॉर बेबीज। और उसका जो मिल्क है, उसका जो मिल्क है बच्चों मोर बैलेंस्ड है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल काउ मिल्क। वॉज प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 2001। ये गलत है बच्चों, 1997। ट्रांसजेनिक काउ रोजी को 1997 में बनाया गया था, ना तो कि 2001। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन पूछा था क्या कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम लेटेस्ट एस्टिमेट्स की बात करें तो कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज, यस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज बासमती राइस की ग्रो करी जाती है इंडिया में। तो देखो हम ये बात बोलते हैं कि अगर राइस की बात करें तो राइस की लगभग 200,000 वैरायटीज, राइस की बात करें तो बच्चों लगभग 200,000 वैरायटीज है इंडिया में अलोन। अगर राइस की बात करें तो इंडिया में लगभग 200,000 वैरायटी है, बट बासमती राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है इंडिया में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है इंडिया के अंदर, राइट? इन्फेस्टेशन बाय टोबैको वर्डवर्म एंड आर्मीवर्म इज प्रिवेंटेड बाय बीटी टॉक्सिन। दीज इंसेक्ट्स बिलोंग टू ऑर्डर। तो बच्चा यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है टोबैको वर्डवर्म और आर्मीवर्म के इन्फेक्शन को, टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम बीटी टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इंसेक्ट्स है टोबैको बर्डवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म, वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? सबसे पहले बच्चों कॉल्यूप्टेरा दे रखा है, तो यार कॉल्यूप्टेरा में तो कौन आते हैं, बीटल्स आते हैं। कौन आते हैं? बीटल्स। लेपिडोप्टेरा की बात करी जाए तो बच्चों लेपिडोप्टेरा में कौन आते हैं, लेपिडोप्टेरन में ही आते हैं टोबैको बर्डवॉर्म एंड साथ ही साथ बच्चा आर्मी वॉर्म। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। डिप्टेरॉन्स की बात करें इसमें क्या आ जाएगा, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो इस वजह से नन ऑफ दिस का मतलब नहीं, प्रॉपर आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डॉक्टर वाइल ऑपरेटिंग ऑन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स। तो बच्चों एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेट कर रहा है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को, एक्सीडेंटली कट्स हिमसेल्फ विद अ स्कैल्पेल। वो एक्सीडेंटली कट कर लेता है खुद को स्कैल्पेल से, इन ऑर्डर टू कंफर्म वेदर ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन भैया ये कह रहा है एक डॉक्टर है जो कि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है बात। अब इस ऑपरेशन के दौरान उस डॉक्टर ने खुद को एक स्कैल्पेल से कट कर लिया है, अब देर इज अ चांस कि उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया, तो कौन से टेस्ट से चीज को कंफर्म करेगा? फर्स्ट दे रखा है सीरम एनालिसिस, सेकंड दे रखा है यूरिन एनालिसिस। अब आपको पता है बच्चों ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं, दीज आर
कन्वेंशनल मेथड्स और इनसे अर्ली डायग्नोसिस नहीं पॉसिबल है, इनसे बच्चों अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इनसे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर हम सीरम को चेक करें या यूरिन को चेक करें तो यहां पर पता नहीं चलने वाला है कि पर्सन को एचआईवी है या नहीं है। क्योंकि यहां पर होता क्या है, नॉर्मली जब हमारी बॉडी में पैथोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हम सीरम या यूरिन एनालिसिस से पता लगा सकते हैं कि यार बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। एंड सेम गोज फॉर ब्लड एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस भी कन्वेंशनल मेथड, यहां पर भी अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चा फोर्थ दे रखा है पीसीआर, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब ये है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। ये है क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बच्चा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक भैया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में हम मॉलिक्यूल्स के थ्रू डायग्नोसिस कर रहे हैं। पीसीआर में क्या करोगे आप, एक डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करोगे। तो यार पीसीआर में हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एचआईवी बॉडी में गया है उसके अगर हम डीएनए को, सॉरी उसका डीएनए बोल रहा हूँ, आरएनए को अगर हम एम्पलीफाई कर दे, एचआईवी के अगर हम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को एम्पलीफाई कर दे बॉडी में पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बिल्कुल। तो पीसीआर की मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट करा है या नहीं। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि इफ अ पर्सन इज वॉट सस्पेक्टिंग एड्स, तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अ प्रोब इज यूज इन विच स्टेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर हम एक प्रोब का इस्तेमाल कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो कौन से स्टेज में करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक प्रोब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन से स्टेज में करेंगे। क्लीविंग डीएनए, बच्चों डीएनए को कट करना है यार दोस्त, आपको अगर डीएनए को बच्चों कट करना है तो डीएनए को कट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। और रिकम्बाइनिंग डीएनए, बच्चों डीएनए को जोड़ने के लिए, बच्चों डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, डीएनए लाइगेज का। क्लोनिंग है बच्चों, क्लोनिंग करवाने के लिए, क्लोनिंग करवाने के लिए भैया एक तो चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग करवाने के लिए बच्चों सबसे पहले चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। और ये जो क्लोनिंग होगी वो किसके अंदर होगी, होस्ट के अंदर, तो ये दोनों चीज चाहिए। तो यहां पर बात क्लियर नहीं हुई है। फोर्थ दे रखा है स्क्रीनिंग, और ये बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, मतलब ये है देखो प्रोब की बात करें, प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा, जो कि क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। प्रोब की बच्चा अगर हम बात करें तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है जो कि बच्चा रेडियो एक्टिवली, जो कि बच्चा रेडियो एक्टिवली क्या होगा, लेबल्ड होगा। ठीक है बात। अब देखो ध्यान से, ये एक डीएनए है और हमें पता लगाना है कि डीएनए में ये सीक्वेंस है या फिर नहीं है। एक फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक सीक्वेंस जनरेट कर देता हूं, ए टी जी सी, यस। तो हम प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोब का। अब प्रोब को इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाएगा, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए इसके पास, टी ए सी जी, ठीक है। ये है हमारी एक डीएनए की बच्चा सीक्वेंस, ये है बच्चों हमारी डीएनए की सीक्वेंस, और ये है हमारा मॉलिक्यूलर प्रोब, यह है हमारा बच्चों मॉलिक्यूलर प्रोब। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों की सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्रोब जाकर यहां पर बाइंड कर जाएगा। भाई हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे ही तो प्रोब को बाइंड करवाते हैं। अब प्रोब ने जो यहां पर बच्चों बाइंडिंग करी है उसके लिए ये क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन को। अब बच्चों इन रेडिएशन को, इन रेडिएशन को हम एक ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट पर देख लेंगे, इन रेडिएशन को बच्चों हम एक ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट पर रिसीव कर लेंगे और हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा। तो इसकी मदद से हमने ये देखा कि ये डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो मतलब नॉर्मल है, अगर ये चेंज हो गई होती मतलब म्यूटेशन हो गई होती। तो कहीं ना कहीं ये स्क्रीन करने में मदद कर रहा है कि म्यूटेशन है या फिर नहीं है, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर स्क्रीनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है हमने सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कर लिया है एक्सप्रेस प्रोटीन को। एक्सप्रेस प्रोटीन का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। भाई जब डीएनए एक्सप्रेस करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो वो बनाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन।
तो प्रोसेस हो रही है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग, उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं? नहीं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है भैया, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाला जाएगा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर एक्सप्रेस करवाया जाएगा, ये चीज नहीं आएगी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बात देखो, हमने लार्ज स्केल पर होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बना लिया है, अब वो होस्ट है, होस्ट के मेटाबॉलिज्म में कई सारी चीजें बन रही है, तो बाकी चीजों से इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हमें पहले सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन के बाद भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ इंप्योरिटीज जुड़ी हुई है, तो इन इंप्योरिटीज को हम हटाएंगे, फाइनली हमें जाकर प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा, वो किसके अंदर आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। बच्चों बायोप्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा, बायोप्रोसेसिंग में वही चीज आ जाएगी जो भी हमने पढ़ी है, कि भैया अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है, बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना रहे हैं, किसके अंदर, इनसाइड द होस्ट, इसको बायोप्रोसेसिंग बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना रहे हैं, मतलब अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग ही हो गया, गलत, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। अब देखो हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट प्यूरिफाइड फॉर्म में आ चुका है, प्यूरिफाइड फॉर्म में किसमें आ रहा है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, उसके बाद उसको मार्केट करा जाएगा, यानी पोस्ट प्रोडक्शन का काम, तो ये तो उसके बाद का स्टेप है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन ही बच्चों यहां पर रहेगा हमारा करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ, तो बच्चों क्वेश्चन क्या रहा है, यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ एथिकल इश्यूज के रिस्पेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ एथिकल इश्यूज के रिस्पेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। यस बच्चा देखो ध्यान से, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। बासमती राइस की बात करें तो बच्चों उसका एक यूनिक फ्लेवर है, उसका एक टेस्ट अलग है, उसके अंदर एक अलग सी स्मेल है, आपको पता चल जाता है बासमती राइस है, और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है बासमती राइस के इंडिया के। 1997 में एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू दी यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। राइसटेक कंपनी का नाम क्या था बच्चों, राइसटेक। राइसटेक ने क्या करा था, राइसटेक ने 1997 में बासमती राइस को एक सेमी द्वार वैरायटी ऑफ राइस के साथ क्रॉस करवाया और एक नई वैरायटी डेवलप करके बोल दिया, क्लेम कर दिया भाई ये हमने नोवली डेवलप करा, तो ये बात भी सही दे रखी है, पेटेंट कर लिया था इस पे। बायोपायरेसी इज द फॉर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। बायोपायरेसी बच्चों, बायोपायरेसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीजों को चुराना। क्या हो रहा है यहां पर, यहां पर बच्चों बायो रिसोर्सेज को मल्टीनेशनल कंपनीज चुरा रही है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अथोराइजेशन ना तो कंट्री से लिया है ना ही उन लोकल पीपल से लिया जो कि उस चीज से जुड़े हुए हैं। सही बात है, चुरा रहे हैं चीजों को, स्टील कर रहे हैं। The current interest in the manipulation of microbes, plants and animals has raised no ethical issues. गलत बात है ना भाई। बच्चों आप एक माइक्रोब को, चाहे आप प्लांट को, चाहे आप एनिमल को मैनिपुलेट कर रहे हो, और मैनिपुलेट कैसे कर रहे हो, जेनेटिकली। बच्चों हम किसी माइक्रोब को, बच्चों हम किसी माइक्रोब को, प्लांट को और एनिमल को अगर जेनेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो यार उसके कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं, वो कुछ भी अफेक्ट कर सकता है, का मतलब कि वो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, वो पूरे के पारे ह्यूमन मैनकाइंड को अफेक्ट कर सकता है, तो एथिकल क्वेश्चंस रेज होंगे, और इसको देखती है जीईसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो गलत दे रखा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच जीन्स एनकोड द प्रोटीन टू कंट्रोल बॉल वर्म्स इन्फेक्शन इन कॉटन प्लांट्स। तो बच्चा क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, कौन से जीन्स को एनकोड करता है वो प्रोटीन जो कि बॉल वर्म्स को कंट्रोल करता है, कौन से बॉल वर्म्स को, कॉटन बॉल वर्म्स को कंट्रोल करता है, कौन से बॉल वर्म्स, कॉटन बॉल वर्म्स को। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से जीन्स एनकोड करते हैं वो प्रोटीन जो कि कॉटन बॉल वर्म्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है कॉटन प्लांट्स के अंदर। क्राई टू ए भी करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। क्राई वन ए सी करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। क्राई वन ए भी किसके लिए करता था, कॉर्न बोरर के लिए, किसके लिए बच्चा, कॉर्न बोरर के लिए। क्राई वन ए भी किसके लिए कोड कर रहा था, कॉर्न बोरर के लिए। क्राई टू ए भी, क्राई वन ए सी कोड्स फॉर व्हाट, प्रोटीन बीटा टॉक्सिन जो कि कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करेगा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चा करेक्ट। विच ऑर्गेनिज्म इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रूट नॉट इन फूड एंड फाइबर क्रॉप्स स्पेशली टोबैको। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां पर, यार क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रूट नॉट के लिए। रूट नॉट का मतलब क्या है बच्चों,
कि टोबैको रूट्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। टोबैको रूट्स में क्या कर रहा है बच्चों, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, नॉट्स मतलब ट्यूमर्स कॉज कर रहा है, किसमें, टोबैको के रूट्स में, और जिससे क्या हो रहा है बच्चों, उसकी यील्ड में गिरावट आ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रूट नॉट कॉज कर रहा है, किसके अंदर, टोबैको के अंदर। मतलब रूट नॉट का मतलब क्या है कि अगर ये टोबैको की रूट है तो उसमें इस तरीके के नॉट आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर दी रूट नॉट, मतलब वहां पर बच्चों क्या कॉज कर रहा है, ट्यूमर कॉज कर रहा है, राइट। चेक कर लेते हैं बच्चों, सिनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस बोला जाता है, ये एक नेमाटोड है, राइट, बट ये ऐसा कुछ भी कॉज नहीं करता। मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया, बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया भी एक नेमाटोड होता है, एस्कल्मिंथेस को बिलोंग करता है, और यही वो नेमाटोड है जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट्स में इन्फेक्शन कॉज करके रूट नॉट बनाता है और उसकी यील्ड में गिरावट ला देता है, सही दे रखा है। निकोटीना टोबैकम, बच्चों आपको पता है निकोटीन इससे मिलेगा हमें, ये सही नहीं है। एस्कैरिस तो बच्चों एक राउंड वर्म होता है जो कि ह्यूमंस के अंदर क्या कॉज करेगा, एस्केरियासिस, जो कि ह्यूमन के अंदर क्या कॉज करेगा, एस्केरियासिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा बच्चों यहां पर हमारा करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ परमानेंट क्योर फॉर एडिया डेफिशिएंसी, बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से किसको हम परमानेंट क्योर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एडिया डेफिशिएंसी में, चेक कर लेते हैं। एडिया डेफिशिएंसी इज एडिनोसाइन डीएमएनएस डेफिशिएंसी, जिसमें क्या होगा बच्चों, हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन अफेक्टेड रहेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर अफेक्टेड, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है बच्चों, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अपॉन डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर इन एडल्ट, बच्चों ये ऑप्शन सही है लेकिन दिस इज अ टेम्पोररी मेथड। देखो बोन मैरो में से जो हम सेल्स लेंगे उसके पास फंक्शनल एडीए होगा, बट ये सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है, जब तक वो बॉडी के अंदर है तब तक ठीक है, मतलब जब तक वो बॉडी के अंदर है उनका एक लाइफ स्पैन रहेगा तब तक काम ठीक है, बट जैसे उनका लाइफ स्पैन खत्म वो मरेंगी दोबारा से इश्यू हो जाएगा, तो दिस इज अ टेम्पोररी मेथड। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एट एनी पॉइंट इन लाइफ, अब देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करूं, और दूसरी बात यहां पर देखो आप एडल्ट में कर रहे हो तो एडल्ट में तो और हिसाब किताब खराब है। हाँ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें यहां पर क्या होगा बच्चों, फंक्शनल एंजाइम को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा, फंक्शनल एंजाइम गिवन थ्रू इंजेक्शन, बच्चों फंक्शनल, बच्चों फंक्शनल एंजाइम को हम इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, फंक्शनल एंजाइम को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं। तो यार देखो फंक्शनल एंजाइम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में जा रहा है, वो सर्कुलेशन में कुछ समय तक रहेगा लेकिन कुछ समय के बाद वो सर्कुलेशन से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो अगेन दिक्कत होगी, अगेन इट इज अ टेम्पोररी, तो बोथ वन एंड टू का मतलब नहीं है। फोर्थ दे रखा है जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये ऑप्शन मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो याद करो जीन थेरेपी को क्या करेंगे हम, पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की बॉडी में से बच्चों लिम्फोसाइट्स को हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। अब इन लिम्फोसाइट्स में एडीए सीडीएनए की वजह से, और हम एक रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एनिमल सेल है ह्यूमन की सेल, तो रेट्रोवायरस अच्छे वेक्टर रहते हैं, यस पेशेंट है बच्चों, पेशेंट के अंदर हमने क्या करा, लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करा, और लिम्फोसाइट्स में, वैसे मैं कहूंगा लिम्फोसाइट्स भी बोलना यहां पर गलत होगा, स्टेम सेल्स बोलना ज्यादा सही रहेगा, यस लिम्फोसाइट्स की जगह बच्चों मैं बोलूंगा सेल्स ज्यादा सही रहेगा, बट मैं आपको ना वो बता रहा हूं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, तभी आपको ये फाइनल वाला समझ में आएगा। तो पेशेंट से हमने लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करा, एडीए सीडीएनए को रेट्रोवायरल वेक्टर की वजह से इसमें इंजेक्ट करा, और इन मॉडिफाइड सेल्स को, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को पेशेंट में रिटर्न कर दिया, ठीक है बात। तो ये सेल्स कुछ समय तक रहेंगी, अब सिंस ये पेशेंट की खुद की सेल है तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, काम चलता रहेगा। अब अगर इस सेम स्ट्रेटेजी को बच्चों में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दूं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को फंक्शनल एडीए एंजाइम मिल जाएगा या फंक्शनल एडीए का जीन मिल जाएगा, तो जब वो डिफरेंशिएट करेगी सारी सेल्स के पास फंक्शनल एडीए होगा,
मतलब दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी आपको बताया था, इसी को बस हमें ये याद रखना है कि लिम्फोसाइट्स की जगह हम स्टेम सेल्स में ऐसा कर देंगे यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल्स में कर देंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब है कि वो आगे जाकर डिफरेंशिएट होकर कोई टिश्यू वगैरह बनाएगी, तो यहां पर हमारी फंक्शनल जब लिम्फोसाइट्स बनेंगी सबके पास एडीए हो जाएगा, दिस इज द परमानेंट क्योर। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स वाज, तो बच्चों इंसुलिन को जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनाना शुरू करा तो मेन चैलेंज क्या था उसके प्रोडक्शन में, स्प्लिटिंग ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स। बच्चों अब एक बार बताओ यार, जो मैच्योर्ड इंसुलिन जीन होता है उसमें क्या होता है, सॉरी जो मैच्योर्ड इंसुलिन हार्मोन होता है बच्चों उसमें ए एंड चेन बी चेन होते हैं ना, जॉइंट वाया यस क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में बात कर रहे हैं इंसुलिन की, तो पहली बात तो हमें पता है इंसुलिन वो हार्मोन है बच्चों जिसमें ए चेन और बी चेन आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से, राइट। तो यार अगर हम इसको तोड़ देंगे तो फंक्शनल इंसुलिन ही रह जाएगा, गलत। एडिशन ऑफ सी पेप्टाइड चेन, अब देखो आपको पता है ये मैच्योर्ड इंसुलिन है, वहीं अगर बच्चों हम प्रो इंसुलिन की बात करें, प्रो इंसुलिन जो कि मैच्योर्ड होकर इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन में ए और बी चेन के साथ सी चेन भी होता है, तो इसका एडिशन करेंगे क्यों, गलत। गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। देखो हमें पता है इंसुलिन नेचुरली ए बी और सी पेप्टाइड चेन का बना होता है, लेकिन जो फंक्शनल इंसुलिन होता है उसमें ए और बी पेप्टाइड चेन होती है। तो जब इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया तो सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि यार इसको हम मैच्योर्ड फॉर्म में कैसे असेंबल करेंगे, सो दिस वॉज द मेन चैलेंज जो कि एल लिली ने फेस करा था, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम द एक्टिव इंसुलिन। बच्चों एक्टिव इंसुलिन के पास पहली बात तो भैया सी पेप्टाइड होती नहीं, एक्टिव इंसुलिन के पास पहली बात तो सी पेप्टाइड होती नहीं, तो रिमूव क्या करोगे, गलत दे रखा। थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यू टू एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एक्सेप्ट, बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहां पर जो सब कुछ लिखा हुआ है वो एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ही हो रहा है, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन की वजह से हो रहा है, एक्सेप्ट क्या नहीं होगा। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, बच्चों अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें, बच्चों अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें तो क्या वो मोर टॉलरेंट होती हैं टुवर्ड्स एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक ड्रॉट, सैलिनिटी वगैरह के लिए, टेम्परेचर के लिए, सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप करा है तो उस क्रॉप के पास एक फैसिलिटी है कि वो मोर टॉलरेंट होती है एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, सही बात है रखिए, ठीक है। सेकंड कह रहा है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, बच्चों उनका रिलायंस केमिकल पेस्टिसाइड्स पे बहुत कम हो जाता है कि नहीं हो जाता, बिल्कुल सही बात है दे रखिए, क्यों, क्योंकि यार हम यहां पर बनाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, एग्जांपल बीटी कॉटन, ठीक है। रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, भाई ये गलत है ना, अगर बच्चों किसी प्लांट का मिनरल यूसेज ज्यादा है, अगर बच्चों किसी प्लांट का मिनरल यूसेज ज्यादा है तो फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी मेंटेन रहेगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की बढ़ेगी, बट यहां पर क्या हो रहा है मिनरल यूसेज प्लांट का कम हो गया है, यस क्योंकि पेंट वगैरह की वजह से, तो ये गलत है ना, ये तो फायदेमंद चीज नहीं है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, बच्चों अगर हमने किसी प्लांट का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर दिया तो हमारी जो यील्ड थी वो काफी अच्छी मेंटेन रहेगी, मतलब फायदा हो रहा है, तो यहां पर थर्ड गलत दे रखा है, समझ में आ रहा है। पोस्ट सर्विस लॉस अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो जो हमारी यील्ड मेंटेन थी वो मेंटेन ही रह जाएगी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, करेक्ट गलत दे रखा है। टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू नेमाटोड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द होस्ट सेल दैट प्रोड्यूसेस, तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया हमने नेमाटोड्स से, टोबैको प्लांट को बच्चों रेजिस्टेंट बनाया हमने नेमाटोड से, और यहां पर जिस नेमाटोड की बात हो रही है बच्चों उसका नाम आपको पता है, उसका नाम होता है मेलोडी गाइने इनकोग्निटिया या इनकोग्निशिया, दिस इज द नेमाटोड, हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द होस्ट सेल दैट प्रोड्यूसेस, यस। तो हमने टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया एक नेमाटोड के खिलाफ, अभी जो नेमाटोड है बच्चों इसको हमने मतलब नेमाटोड के खिलाफ जो हमने टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया तो उसके लिए हमने क्या करा है एक डीएनए को इंट्रोड्यूस करा है होस्ट सेल के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या वो प्रोटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, बच्चों प्रोटोटॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, इसको प्रोड्यूस करता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, तो ये तो सही नहीं होगा। सेकंड दे रखा है बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आ रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल सही है,
देखो हो क्या रहा है, होस्ट है। अब हमने क्या करा, हमने यहां पर एग्रोबैक्टीरियम को ले लिया। अब बच्चों एग्रोबैक्टीरियम के पास क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम के पास होता है टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड का हमें पता है टीडीएनए पोर्शन। इस टीआई प्लाज्मिड का बच्चों टीडीएनए पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें हमारा डीएनए लगा होगा या हमारा एक काम का जीन लगा होगा। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो इस डीएनए से, तो बच्चों इसी डीएनए से हमारा बनेगा सेंस आरएनए और साथ ही साथ बनेगा इंटीसेंस आरएनए। अब बच्चों जब रिस्क का एक्टिवेशन होगा, जब बच्चों रिस्क का एक्टिवेशन होगा यानी आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन होगा, तो वो सेंस आरएनए को खत्म कर देगा। सेंस आरएनए को क्या करेगा, खत्म कर देगा। अब मान लो ये एमआरएनए है नेमाटोड का, ये बच्चों एमआरएनए है नेमाटोड का, इस एमआरएनए से एंटीसेंस आरएनए आकर बाइंड करेगा, इस एमआरएनए से एंटीसेंस आरएनए बाइंड करेगा और इसको तोड़ देगा यहां पर, मतलब क्या हो जाएगा, साइलेंसिंग हो जाएगी। तो हमने टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसके अंदर एक डीएनए डाला है जो कि सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए बनाएगा होस्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही दे रखा है। कोई पर्टिकुलर हार्मोन बनाएगा नहीं, कोई टॉक्सिन बनाएगा नहीं, एंटीसेंस एंड सेंस आरएनए को बनवाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मास प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहे बच्चों हमने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है थेरेप्यूटिक ड्रग्स का। बच्चों हमने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया थेरेप्यूटिक ड्रग्स का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे इमेंस इंपैक्ट पड़ा है हेल्थ केयर में। इनमें से क्या प्रॉपर्टी गलत दे रखी है, इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ ड्रग्स। तो बच्चों इसकी मदद से, तो बच्चों इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेफ ड्रग्स का मास प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं। यस भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम मास लेवल पर, बड़े लेवल पर क्या सेफ ड्रग्स को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यार कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही नहीं है, हमने उसी ऑर्गेनिज्म के जीन से प्रोडक्ट बनाया तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। प्रोडक्शन ऑफ मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स। यस भाई, पहले हम क्या करते थे, पहले हम ड्रग्स वगैरह को किसी स्लॉटर्ड कैटल या पिक से ले रहे थे, यहां पर हम ह्यूमन के जीन से ही प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो एक तो मास प्रोडक्शन हो रहा है ड्रग्स का, और जो ड्रग्स हो रहे हैं वो काफी इफेक्टिव हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन के ही जीन से। दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। सही बात है, गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई पहले हम बच्चों एनिमल सोर्स, पहले हम ड्रग्स को क्या कर रहे थे, एनिमल सोर्स से ले रहे थे। अब देखो एनिमल मान लो मैमल ही है, ह्यूमन भी मैमल है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता था, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता था। ऐसा तो दो ह्यूमन के केस में भी होता है, बट यहां तो दो डिफरेंट एनिमल है तो काफी ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब सिंस यहां पर हम ह्यूमन के जीन का ही इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एलर्जी वगैरह ना के बराबर है। सही बात है। सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड जीआईटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट। बच्चों ये गलत है यार। देखो हमने इंसुलिन को बनाया, याद कर लो एली लिली ने बच्चों रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को बनाया है जिसको हम हिमुलिन भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को बनाया जिसको हम हिमुलिन भी बोलते हैं। लेकिन यार हिमुलिन एक हिमुलिन बोल रहा हूँ या मैं इंसुलिन बोलूँ, वो क्या है, वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। अब बच्चों अगर हम स्टमक के थ्रू उसको कंज्यूम करेंगे तो यार स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। भाई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल। तो ये गलत दे रखा है भाई, चाहे बॉडी का इंसुलिन हो चाहे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हो, प्रोटीनेशियस तो है ही वो, उसके अंदर ए और बी पेप्टाइड चेन तो है ही, तो उस पर प्रोटीएसेस एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये गलत दे रखा है कि भाई उस पर जीआईटी में उस पर कोई भी असर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कोल्डन राइस हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम इंक्रीज कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज कंसीडर एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर विटामिन ए, दिस सब्सटेंस इज। तो बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है गोल्डन राइस को बच्चों हमने डेवलप करा है, गोल्डन राइस को बच्चों हमने डेवलप करा है जिसमें इंक्रीज कंस्टेंट है किसी सब्सटेंस का जो कि प्रीकर्सर माना जाता है विटामिन ए का। गोल्डन राइस को हमने डेवलप करा है जिसमें इंक्रीज कंटेंट है एक सब्सटेंस का जिसको माना जाता है प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर विटामिन ए। वो सब्सटेंस क्या है बच्चों, फर्स्ट दे रखा है जेंथोफिल। तो बच्चों आपको पता है जेंथोफिल तो एक कैरोटीनॉइड है, आपने देखा होगा एक्सेसरी पिगमेंट्स की फॉर्म में होता है। भाई क्लोरोफिल ए और बी मेन पिगमेंट्स होते हैं, उसके अलावा जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं उसमें कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल आते हैं, फोटोसिंथेसिस में पड़ा होगा तो ये तो नहीं।
बीटा कैरोटीन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बीटा कैरोटीन को प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए माना जाता है, जिससे विटामिन ए बनता है और ये कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां से भी ले सकते हो बीटा कैरोटीन। एंथोसाइनिन बच्चों एक पिगमेंट है और रेटिनॉल विटामिन ए का ही साइंटिफिक नेम है। बच्चों विटामिन ए को ही हम साइंटिफिकली रेटिनॉल बोलते हैं, तो ये तो रिपीट हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? बीटा कैरोटीन। तो हमने क्या करा है बच्चों, हमने बीटा कैरोटीन का जीन ट्रांसफर करा है राइस के अंदर। डेफोडिल का बीटा कैरोटीन का जीन हमने राइस के अंदर ट्रांसफर करा है, उसे बनाया गोल्डन राइस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वायरसेस दैट आर यूज्ड एज वेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ वायरसेस के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ वायरसेस के रिस्पेक्ट में जिनको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ वायरसेस के रिस्पेक्ट में जिनको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अ फंक्शनल एडीएस सीडीएनए यूजिंग दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट हैविंग एडीए डेफिशिएंसी। सही बात है गलत बात है? सही बात है भाई। भाई हम रेट्रोवायरस की मदद से, बच्चों हम रेट्रोवायरस की मदद से क्या कर सकते हैं, एडीए सीडीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर। याद करो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी में हमने पढ़ा था कि हम पेशेंट की लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे और उन लिम्फोसाइट्स में फंक्शनल एडीएस सीडीएनए को ट्रांसफर करेंगे रेट्रोवायरस की मदद से। जब उसके अंदर फंक्शनल एडीएस सीडीएनए चला जाएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स बन जाएंगी या ऐसी सेल्स बन जाएंगी जिनके पास एडीए है, उनको हम पेशेंट को रिटर्न कर देंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग या पीरियोडिकली उसका काम चलता रहेगा। दीज वेक्टर्स हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट सेल जीनोम। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। वायरसेस के पास एबिलिटी है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के जीनोम में डाल सकते हैं। सही बात है, रखिए। द डिजायर्ड जीन्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरियल सेल्स यूजिंग सच वेक्टर्स। यस बच्चों, हम इस डिजायर्ड जीन को, हम इस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी सच वेक्टर्स के थ्रू। बिल्कुल भाई। अरे यार मेरे दिलदार मेरे, इस एग्जाम्पल को देखो ना। बैक्टीरियोफाज क्या होता है बच्चों? बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज वो वायरस है, बैक्टीरियोफाज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बैक्टीरियोफाज से अगर हम बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करवा रहे हैं तो बच्चों क्या करेगा? डिजायर्ड जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए वेक्टर की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। वायरसेस आर मेड टू कैरी विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ये गलत है बच्चों। ये पता है बात किसके लिए दी गई है? ये बात दी गई है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए। ये बात बच्चों लिखी गई है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक ड्रग बना रहे हैं तो वो उसके खिलाफ मोर सेंसिटिव हो जाए, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी ड्रग्स के लिए ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। इससे क्या होगा? हम बच्चों हम ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को टेस्ट कर सकते हैं और डोसेज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से होगा, वायरसेस की मदद से नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वायरस के रिस्पेक्ट में बात कही नहीं गई है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोब। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोब। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोब। इट इज ऑलवेज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप देखो क्या देखोगे? सर रेडियो एक्टिवली मॉलिक्यूल है, सही दे रखा है। सर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दे रखा है, सही दे रखा है। गलत। यहां पर क्या दे रखा है? ऑलवेज। मॉलिक्यूलर प्रोब की बात करूं तो मॉलिक्यूलर प्रोब बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों हो सकता है। मॉलिक्यूलर प्रोब की बच्चा अगर मैं बात करूं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ साथ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों हो सकता है। बात गलत दे रखी है। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए बट नॉट टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी है, आरएनए भी है, लेकिन रेडियोएक्टिवली लेबल्ड नहीं है। भाई रेडियोएक्टिवली लेबल्ड नहीं है तो ऑटो रेडियोग्राफी से, तो बच्चों ऑटो रेडियोग्राफी पे कैसे पता लगाएंगे? प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। सही बात है गलत बात है? सही दर का। प्रोब को बच्चों हम अलाउ करते हैं ताकि वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से जाकर बाइंड करे। प्रोब को बच्चों हम अलाउ करते हैं ताकि वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से जाकर बाइंड करे और उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से मदद से। सही बात है, अभी आपको पीछे बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड कर लेगा अगर वो प्रेजेंट होगी, और अगर बाइंड कर गया तो वो रेडिएशन कमिट करेगा जिससे हम ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट की मदद से पता लगा सकते हैं। सही बात है, रखिए।
The clone having the mutated gene will appear on photographic film because the probe will have complementary with the mutated gene. गलत दे रखा है ना ये भाई, ATGC ये सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर प्रोब के पास सीक्वेंस है CCCG, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसका? अगर प्रोब के सीक्वेंस ये है और नॉर्मल सीक्वेंस ये है, ये जीन के सीक्वेंस है, तो क्या प्रो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। तो गलत दे रखा है ना कि अगर क्लोन में म्यूटेटेड जीन है, अगर बच्चों क्लोन में म्यूटेटेड जीन है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपियर नहीं होगा। पहली बात तो अपियर ही नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म पर बच्चों, अपियर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा प्रोब है, जो कि हमारा प्रोब है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है म्यूटेटेड जीन के लिए। तो यहां पर ये गलत दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है? थर्ड ऑप्शन ही हमारे यहां पर बच्चों सही दे रखा है। ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड चेन्स वर लिंक टूगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, दीज चेन्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। बच्चों इंसुलिन का सिंथेसिस हो रहा है, बच्चों इंसुलिन का सिंथेसिस हो रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। इंसुलिन का बच्चों सिंथेसिस हो रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, और जो चेन्स हमें मिली है उन्हें हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इंसुलिन का सिंथेसिस करवा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से और चेन्स को लिंक कर दे रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। अभी जो चेन हमने निकाली है वो कौन से ऑर्गेनिज्म ने निकाली है? फर्स्ट दे रखा है बच्चों सेल्मोनेला टाइफीमीरम, ये वो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज करता है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। बी दे रखा है एस्चेरिचिया कोलाई, ये बिल्कुल सही है। इकोलाई याद करो भाई, एली लिली अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। एली लिली अमेरिकन कंपनी ने क्या करा था? एली लिली अमेरिकन कंपनी ने दो डीएनए की सीक्वेंसेस प्रिपेयर करी ए और बी के लिए, और उसको किसमें डाल दिया, इकोलाई के अंदर। अब एक से मिली चेन ए, एक से मिली बी, बट इन द मीन टाइम पूरी बात सुन लो, एली लिली अमेरिकन कंपनी ने दो डीएनए सीक्वेंस को प्रिपेयर करा चेन ए और चेन बी के लिए, जो कि इंसुलिन के लिए होती है, उसको इकोलाई में डाला, उस इकोलाई में उसको क्या करा, एक्सप्रेस करवाया, मतलब प्रोड्यूस करवाया, वहां से एक्सट्रैक्ट करा और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट कर दिया, तो इकोलाई का इस्तेमाल करा था। थर्मस एक्वाटिकस से बच्चों टैग पॉलीमरेज मिलता है जिसको पीसीआर में इस्तेमाल करा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस इज अ वेक्टर फॉर प्लांट्स, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चा, ऑप्शन नंबर टू। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी बच्चों किस चीज को ठीक करने के लिए दी गई थी भाई, 1990 में दी गई थी टू अ 4-year-old गर्ल। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की बात करें तो बच्चों 1990 में दी गई थी 4 साल की बच्ची को, जिसको किसकी बीमारी थी, एडिनोसाइन डीएमनेज डेफिशिएंसी थी, उसकी बॉडी में एडिनोसाइन डीएमनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं था, डिलीशन हो चुका था, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बच्चों उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन के लिए। तो यहां पर ऐसा था ना, तो डायबिटीज मेलाइटिस होगा, ना चिकन पॉक्स, ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिनोसाइन डीएमनेज डेफिशिएंसी के लिए था। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बच्चों बीटी टॉक्सिन के लिए यहां पर क्या सही दे रखा है, बीटी टॉक्सिन के लिए बच्चों यहां पर क्या सही दे रखा है, बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। अब बच्चों अगर देखो बैसिलस यानी बैक्टीरिया के अंदर अगर ये एक्टिव टॉक्सिन में प्रेजेंट होता, बीटी टॉक्सिन बैसिलस के अंदर अगर एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता तो भैया बैसिलस खुद ही मर जाता, तो बैसिलस भैया खुद ही मर जाता, ये तो गलत दे रखा है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज इट एंड दस प्रिवेंट्स इट्स मल्टीप्लिकेशन, गलत दे रखा है बच्चों। तो क्या दे रखा है कि जो ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो ओवरीज में घुस जाता है पेस्ट की और उसको स्टरलाइज कर देता है ताकि मल्टीप्लिकेशन रुक जाए, गलत है, बिल्कुल गलत दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स, बच्चों बैसिलस के पास एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, नहीं भाई, सिंपल सी बात यह है कि बैसिलस के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बच्चों बैसिलस के अंदर किस फॉर्म में रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ना कि एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, ये बिल्कुल सही दे रखा है कि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब जैसे ही कोई बच्चों इंसेक्ट इसको डाइजेस्ट करेगा, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको डाइजेस्ट करेगा इसकी मिडगट में जाएगा और मिडगट की अल्कलाइन पीएस से ये एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा। यस,
बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाएगा उसकी मिडगट की एल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, फोर्थ ऑप्शन सही दे रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा वो उसकी मिडगट की एपिथेलियल सेल से जाकर बाइंड करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, फिर स्वेलिंग होगी, फिर लाइसिस होगा और डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स। बच्चों क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है इनमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनमें से बच्चों हम किसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हम फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर सके क्रॉप प्लांट्स के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों इनमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम क्या करें फॉरेन डीएनए को क्रॉप प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कर सके। तो बच्चों सेल्मोनेला टाइफीमीरम क्या करेगा भैया, ये तो टाइफॉइड को कॉज करेगा। मेलोडीगाइने इनकॉग्निटिया की बात करें तो ये एक नेमाटोड होता है जो कि क्या करता है बच्चों टोबैको रूट्स में इंफेक्शन कॉज करता है, जो कि टोबैको रूट्स में इंफेक्शन कॉज करता है जिससे उसकी यील्ड कम हो जाती है, जिससे उसकी यील्ड क्या हो जाती है कम हो जाती है। थर्मस एक्वाटिकस आपको पता है इससे हमें टैक पॉलीमरेज मिल सकता है और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जिसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है, इसके पास एक प्लाज्मिड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में एक पोर्शन होता है टी डीएनए का, अगर इस टी डीएनए में हम अनवांटेड जीन को निकालकर डिजायरेबल जीन को लगा दे या डीएनए को लगा दे तो हम प्लांट्स के अंदर इस डिजायरेबल डीएनए को पहुंचा सकते हैं, इसलिए एज अ वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के अंदर। क्लियर है बात, अदरवाइज अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा क्राउन गोल ट्यूमर कॉज कर देगा प्लांट्स के अंदर, जो हम ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी के पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। राइट, हाउ इज बीटी टॉक्सिन नोन टू किल द टारगेट इंसेक्ट्स इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉटन प्लांट्स। क्वेश्चन बच्चा यहां पर पूछ रहा है अगर हम बीटी टॉक्सिन की बात करें, क्वेश्चन बच्चों यहां पर पूछ रहा है अगर हम बीटी टॉक्सिन की बात करें तो वो टारगेट इंसेक्ट्स को किल कर देता है। बच्चों अगर हम बीटी टॉक्सिन की बात करें तो वो टारगेट इंसेक्ट्स को किल कर देता है और प्रोटेक्शन देता है कॉटन प्लांट्स को, बट कैसे करता है, मिडगट सेल लाइसिस एंड स्वेलिंग दे रखा है, यही तो बिल्कुल सही है भाई, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, इंसेक्ट ने क्या करा बच्चों इंजेस्ट करा, इंसेक्ट ने बच्चों क्या करा इंजेस्ट करा, एल्कलाइन पीएच मिलेगी, एल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट्स, एल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट्स से क्या होगा एक्टिव हो जाएगा टॉक्सिन। क्रिएट पोर्ट्स इन मिडगट एपिथेलियल सेल्स, बच्चों पोर्ट्स को क्रिएट कर देगा मिडगट एपिथेलियल सेल्स में, पोर्ट्स को क्रिएट कर देगा बच्चों मिडगट एपिथेलियल सेल्स में, पोर्ट से पानी अंदर जाएगा, धीरे धीरे स्वेलिंग होने लग जाएगी और लिमिट से ज्यादा स्वेलिंग होने की वजह से लाइसिस हो जाएगी, एनिमल सेल है, लिमिट से ज्यादा स्वेलिंग की वजह से क्या होगा लाइसिस हो जाएगी एंड एट द एंड क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, उसकी एल्कलाइन पीएच मिलेगी मिडगट की तो क्या होगा वो एक्टिव हो जाएगा टॉक्सिन, वो जाकर मिडगट की एपिथेलियल सेल से बाइंड करके वहां पर पोर्स क्रिएट करेगा, फॉलोड बाय स्वेलिंग होगी और लिमिट से ज्यादा स्वेलिंग के बाद लाइसिस होने लग जाएगी। अब कई सारी मिडगट की एपिथेलियल सेल्स मरती जाएंगी तो वो खुद मर जाएगा, क्यों, क्योंकि मिडगट वो जगह है जहां पर उसका मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन और डाइजेशन होता है इंसेक्ट्स के अंदर, याद रखना ना फोरगट ना हिंडगट मिडगट। पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन जैसा भी कुछ नहीं होगा, ना ही ब्रेन डेथ होगी, मिडगट सेल में लाइसिस होगी, स्वेलिंग के बाद डेथ से मर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दे रखा है। तो बच्चा लोग विद दिस हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। हमने कोशिश करी है हर लेक्चर में, देखो हमने हर लेक्चर में कोशिश करी है कि हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें जो हमारे सीयूटी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहे, राइट। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप भी मेरे साथ चल रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे, तो अच्छे से मेहनत करते रहो, खुश रहकर आपको मेहनत करनी है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, जैसे हमने विजेता में अच्छा करा था वैसे हम सीयूटी में अच्छा करेंगे, राइट। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।